बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपका HBL यानी कि हबीब बैंक लिमिटेड में कोई अकाउंट है तो अब आप फेसबुक मैसेंजर की मदद से ही अपना बैलेंस मालूम कर सकते हैं, या आपने किसी नंबर पर इजी लोड कराना हो या बिजली और गैस का बिल जमा कराना हो, ये सब काम अब आप अपने फेसबुक मैसेंजर ऐप के ज़रिए ही कर पाएंगे। इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ जिसमें आपको व्हाट्सएप पर HBL का बैलेंस कैसे मालूम किया जाता है उसका तरीका बताया था। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से उस वीडियो को देखकर व्हाट्सएप की मदद से HBL का बैलेंस मालूम कर पाएंगे। तो जी व्यूअर्स, फेसबुक मैसेंजर की मदद से बैलेंस मालूम करने के लिए आपने फेसबुक पर जाकर मैसेंजर या आपने डायरेक्ट फेसबुक की जो मैसेंजर एप्लीकेशन है उसको ओपन करके उसकी सर्च बार में आपने सर्च करना है HBL। यूँ ही आप सर्च बार में HBL सर्च करेंगे तो जो ब्लू टिक वाला वेरीफाइड अकाउंट है HBL बिजनेस अकाउंट उसको आपने सिलेक्ट करना है। क्यों ही आप उसको सेलेक्ट करेंगे तो नीचे गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आ जाएगा, आपने उस पर ओके कर देना है। थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद आपके पास HBL का जो ऑफिशियल चैटबॉट है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने सेंड मैसेज में जाकर सर्च करना है हेलो। यूँ ही आप हेलो टाइप करके सेंड करेंगे तो उसके बाद उनका एक ऑटोमेटिक सिस्टम ओपन हो जाएगा जिसमें आप देख सकते हैं अकाउंट बैलेंस, क्रेडिट कार्ड बैलेंस, मोबाइल टॉपअप यानी कि इजी लोड और बिल पेमेंट वगैरह के ऑप्शंस आ जाएंगे। हम यहाँ से अकाउंट बैलेंस मालूम करना चाहते हैं, हम अकाउंट बैलेंस वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है। उसके बाद मैसेंजर पर एक आपको ऑटोमेटिक रिप्लाई आएगा कि आपने इसको लॉग इन करना है। चूँकि हमने इसको पहले से लॉग इन नहीं किया तो आपको फर्स्ट टाइम लॉग इन होने की जरूरत होगी। यूँ ही आप लॉग इन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा HBL की वेबसाइट पर। तो यहाँ पर आपने अपनी यूज़र आईडी जो कि आपकी HBL ऐप की यूज़र आईडी होती है उसको आपने यहाँ पर एंटर करके इसको नेक्स्ट करना है। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP कोड सेंड किया जाएगा, उस OTP कोड को यहाँ पर एंटर करके आपने इसको वेरीफाई करना है। अगर आपने HBL पर पहले से अकाउंट नहीं बनाया तो उसका तरीका जानना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आपने उसको वहाँ से देख लेना है। तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आएगा यस का, जो ही आप यस को ओके करेंगे तो मैसेंजर पर जो HBL की जानब से आपने मैसेंजर पर HBL का अकाउंट ओपन किया है, उनका चैटबॉट ओपन किया है, तो यहाँ पर आपको आपका अकाउंट का बैलेंस शो करा दिया जाएगा। उसके बाद दोबारा से आप मेन मेन्यू पे जाकर चाहें तो इजी लोड कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड का बैलेंस मालूम कर सकते हैं, चाहें तो आप बिजली या गैस का बिल भी आप इस मैसेंजर के ज़रिए आप पे कर सकते हैं। तो ये तमाम काम करने से पहले आपको एक और सेटिंग की ज़रूरत होगी, वो सेटिंग जो है वो आपको HBL की मोबाइल एप्लीकेशन पर जाकर करनी पड़ेगी। वो सेटिंग कैसे करनी है चलते हैं HBL की मोबाइल एप्लीकेशन पर और आपको दिखाते हैं कि वो सेटिंग आपने कैसे करनी है। तो हम यहां से अपनी HBL की मोबाइल एप्लीकेशन को लॉगिन कर लेते हैं। इंतहाई आसान तरीकाकार है, आपने जस्ट इसको लॉगिन हो लेना है और इसका जो फर्स्ट पेज आपके सामने आता है उस पर आपको राइट कॉर्नर पे टॉप पे 4 डॉट वाला ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर हमने इसको लॉगिन कर लिया है और यहाँ पर आपके पास ऊपर जो 4 डॉट वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है आपने इसको ओके करना है और इसको स्क्रॉल करते हुए सबसे लास्ट पर चले जाना है। यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है मैनेज फेसबुक चैट बॉट का, आपने इसको टर्न ऑन कर लेना है। यूँ ही आप इस पर ओके करेंगे तो आपको HBL की जानब से एक डिस्क्लेमर यानी कि एक मैसेज दिखाया जाएगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना अकाउंट नंबर, CNIC नंबर, मदर नेम वगैरह, सॉरी अकाउंट नंबर तो आप शेयर कर सकते हैं, CNIC नंबर या मदर नेम वगैरह आपने किसी के साथ शेयर नहीं करना। तो आपने इस पर समझते हुए इसको कंटिन्यू करना है तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर एक OTP कोड सेंड किया जाएगा, 1 टाइम पासवर्ड, उसको आपने यहाँ पर इंटर करना है और इसको सबमिट कर देना है तो जो आपका चैटबॉट है वो ऑन हो जाएगा और आप मैसेंजर की मदद से अपने ये तमाम काम सारे अंजाम दे पाएंगे। उम्मीद है आपको हमारी ये आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम।